तुम मुझे यूं जला न पाओगे, हो तुम मुझे यूं जला न पाओगे। जली लंका मेरी जला मैं भी, जली लंका मेरी जला मैं भी, तुम भी एक दिन जलाए जाओगे, हो तुम मुझे यूं। अब सुनना, रावण कहता है कि तुम मुझे इल्जाम देते हो कि मैंने सीता हरण किया, मैंने मां सीता का हरण किया इसलिए मैं बुरा हूं, लेकिन मैंने सीता का हरण भी अपने लिए नहीं किया, सीता का हरण करने के पीछे भी कारण था। क्या कारण था सुनिएगा, कहता है रावण, मैंने सीता हरी हरी के लिए राक्षस कुल की बेहतरी के लिए। समझ में आया, मैंने सीता का हरण इसलिए किया क्योंकि मैं सीता का हरण नहीं करता तो राम का इस धरती पर अवतार लेना बेकार हो जाता। राम ने अवतार लिया ये सोचकर कि मैं धरती पर जाकर राक्षसों का नाश करूंगा, रावण का वध करूंगा, और अगर रावण सीता को हर कर नहीं लाता तो शायद राम कभी रावण और राक्षसों तक पहुंच ही नहीं पाता। मैंने तो राम का रास्ता साफ किया है। मैंने सीता हरी हरी के लिए राक्षस कुल की बेहतरी के लिए, और सबसे बड़ा काम क्या किया मैंने कि मैंने प्रभु को रुलाया वन वन में, मैंने प्रभु को रुलाया वन वन में, तुम प्रभु को रुला न पाओगे, हो तुम मुझे यूं। और सबसे सुंदर पंक्ति लगती है मुझे, सबसे सुंदर पंक्ति सुनिएगा, क्या कहा रावण ने, आज रावण से राम डरते हैं, आज लक्ष्मण ही सीता हरते हैं। सही बात है, सही बात है, कलियुग के इंसान बड़े उछलते हुए राजी होते हैं। रावण को जला दिया, मां का हरण किया, मां का हरण किया। रावण ने कहा, रे बोले बेवकूफों, मुझे तो पता था कि मैं जिसे हर कर ले जा रहा हूं मेरी मां है, लेकिन तुम कलियुग के इंसान क्या करते हो, आज सगा भाई तुम पर भरोसा नहीं कर सकता। क्यों, आज रावण से राम डरते हैं, आज लक्ष्मण ही सीता हरते हैं, आज घर घर में छुपे हैं रावण, आज घर घर में छुपे हैं रावण, आग कितनों को तुम लगाओगे, हो तुम मुझे यूं। अच्छा लगा, एक अंतरा और है, सुनोगे पूरा करें, सुनिएगा अंत में क्या कहा रावण ने, सबसे सुंदर बात, सबसे सुंदर बात क्या, के सीता हरना तो एक बहाना था, मैं बदनाम हो गया तीनों लोकों में कि मैंने सीता का हरण कर लिया, पर रावण कहता है, अरे बोले पागलों तुम्हें पता ही नहीं है मैंने सीता का हरण क्यों किया, क्यों,